मुझे तो डांट इसलिए पड़ती थी, तुम टीचर ने नाम रखा था ये बड़ी एक्टर है। मैंने कहा है मैं एक्टर हूँ, वहां मुझे टीचर्स ने रियलाइज कराया कि मैं एक्टर हूँ, और किसी को ये फील नहीं हुआ। क्योंकि जब होता था ना इंग्लिश के आप पढ़े पैराग्राफ पढ़ते हैं तो बच्चे पढ़े द फार्मर वाइफ वेक अप एवरी डे 4 o'clock इन द मॉर्निंग एंड पता नहीं क्या मिल्क द काओ, अच्छा मैं क्या आ रही हूँ द फार्मर वाइफ द फार्मर वाइफ वेक अप 4 in the morning ये टीचर के सामने कर, फिर उसके बाद and she is waking up every morning, she is such a nice farmer wife, आवाज भी बदल देती थी। अब जब हस्बैंड बोल रहे हैं ना where are the children ये टीचर के सामने करती, टीचर के सामने क्लास के सामने। मैंने कहा देखी कहती तुम यार आवाज को क्या होता है, मैंने कहा वो हस्बैंड बोल रहा है ना अब, अच्छा फिर ये आवाज पतली क्यों है, मैंने कहा वो काओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। मेरी प्रिंसिपल बहुत सख्त थी, इतनी ज्यादा सख्त थी बच्चों को टिका भी देती थी। तो एक बार उन्होंने लाइन से हम सबको बुलाया कि सबको थप्पड़ पड़ेगा सबको, एक कटाक कटाक, मैं थी कोई 12वें नंबर पे, जान मेरी निकली हुई ना आ रहे फ्याम आवाजें आ रही है, मैंने आंख बंद कर ली, मैंने कहा आज नादिया तेरी बेइज्जती होने वाली, कभी नहीं थप्पड़ पड़ा आज, पढ़ने वाला है वो भी लोगों के सामने, बच्चे गाल भी आगे कर, अब बच्चे मैं एक आंखें खोली देख रही हूँ ऐसे बच्चे रो रहे हैं, आ रही आ रही आ रही, 10 पे आई 11 पे आई 12वें पे आई, ये मैंने मुंह बनाया और कोई आवाज नहीं आई, खामोशी, और थोड़ी देर बाद आवाज आ रही है ये कहां से आवाज है, मैंने देखा तो प्रिंसिपल कह रही है तुम तो पहले इतनी तकलीफ में हो तुम्हें क्या मारना है, क्या एक्सप्रेशन है, बच गए यार, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन की बचाया, एक्चुअली उनको हंसी आ गई, उन्होंने मुझे 20 साल बाद बताया कि तुम्हारी मैंने शक्ल देखी मुझे इतनी हंसी आई कि ये बच्चे थप्पड़ से पहले खड़ी हुई ऐसे तो आगे निकल गई, उन्होंने फिर बाकी बच्चे बच गए। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइव ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।